एक बहुत सुंदर फॉर्मूला, छोटा सा, आप सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये एक स्मृति बहुत पावरफुल बनाती है। मैंने एक दो बार बाबा का एक महावाक्य सुनाया है, आज रिपीट कर देता हूं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का अर्थ है स्मृति में लाएंगे तो भय समाप्त होगा, मनोबल बढ़ेगा। आपको सुन के बहुत आनंद होगा। बाबा ने कहा, जब विरोध होता था अपने लोगों का, जब लोग बहुत कष्ट देने की कोशिश करते रहे बाबा के बच्चों को, परिवारों में भी, बाबा कहते थे, चाहे एक और अक्षौणी सेनाएं हों, महाभारत का शब्द है ये, लाखों सेनाएं हों, दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। इस नशे को बढ़ाते चलें सभी, तो आने वाला जो विकराल काल होगा उसमें बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे। मुझे याद है हम समर्पित हुए, दादी जानकी कहा करती थी, बहुत रहती थी बाबा के अव्यक्त होने पर यहाँ, कहती थी, इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भय होकर विचरण करो। बहुत सुंदर बात है, जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिन्हें ये ज्ञान हो गया हो कि मैं आत्मा तो मरती ही नहीं, उन्हें डर किसका, उन्हें देखकर तो दूसरों का डर भी समाप्त हो जाएगा, ये हम सभी थोड़े दिन में देखेंगे। इसलिए अपने अंदर जिस तरह का भी सूक्ष्म भय समाया हो, समाया रहता है बहुतों के अंदर, मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है, भविष्य का भय, अपनों के खोने का भय, कुछ चले जाने का भय, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएं, भगवान का हाथ हमने पकड़ा है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारी नैया को पार लेकर ही जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो अशरीरी होने का जितना जितना अभ्यास करेंगे, निर्भयता आएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान का जितना जितना अभ्यास करेंगे, मनोबल बढ़ेगा। भय अंदर छुपा हुआ भय, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है अनेक जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ भय, जिसको चित्त कहते हैं, चित्त में भरा हुआ भय निकलता जाएगा।